जिले में कम लक्षण वाले कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज अब घर पर ही होगा। रायपुर कलेक्टर ने कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के संबंध में एक दिशा निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि दुर्ग जिले के साथ ही अब रायपुर में भी पायलट मॉडल में कोरोना पॉजिटिव पाए गए सी कैटेगरी के मरीजों को आइसोलेशन की अनुमति दी गई है। होम आइसोलेशन के लिए मरीज के घर में अलग कमरा और अलग शौचालय होने पर ही उन्हें अनुमति दी जाएगी। होम आइसोलेशन के दौरान जिला स्वास्थ्य विभाग हर दिन मरीज के स्वास्थ्य की जानकारी फोन पर लेगा। कोरोना वायरस की वजह से 125 साल पुरानी परंपरा अब टूट गई और कुश्ती का आयोजन नहीं किया गया। सिर्फ हनुमान जी की पूजा के साथ शस्त्रों की पूजा अर्चना की गई। बता दें कि नाग पंचमी त्योहार के मौके पर कुश्ती का आयोजन किया जाता है और इस साल 125 साल हो चुके हैं और इस कुश्ती आयोजन के उद्घाटन समारोह में देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद शामिल हुए थे और इसका शुभारंभ सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महंत लक्ष्मी नारायण दास ने किया था। हालांकि इस साल ऐसी कई परंपराएं टूट चुकी हैं और टूटने वाले भी हैं जो कई सालों से निरंतर चली आ रही थी और इसका कारण है सिर्फ और सिर्फ कोरोना। लगभग 125 वर्ष तो हो गया है, आज तक की भी कुश्ती होती थी पर लॉकडाउन के कारण से कुश्ती नहीं हुई और आगे चलते रहेगा ये कुश्ती। हर नाग पंचमी में यहाँ पर कुश्ती होती है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और मठ के महान स्वर्गीय महंत लक्ष्मीनारायण दास जी स्थापित किए थे और यहाँ पे जब नवीनीकरण अखाड़े का किया गया था तो भारतवर्ष के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी इस अखाड़े में आकर इसको जीर्णोद्धार को लोकार्पण किए थे।